सो हेलो अगेन। लास्ट पार्ट में हमने ईआरपी के रिस्क और कंट्रोल्स की शुरुआत करने की कोशिश की, जिसमें अपन ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वी सॉ इन द बिगिनिंग ऑफ दैट सेशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड टुवर्ड्स समथिंग नोन एज द रिस्क एंड कंट्रोल्स बेसिकली। सो 5 पॉइंट्स से अगर आपको कुछ याद आ रहा है रिस्क एंड कंट्रोल्स में, और उसको याद रखने के लिए ट्राई टू हैव योर नोटबुक विथ यू, ट्राई टू हैव द ईयरफोन्स और हेडफोन्स विथ यू, अदरवाइज दिस सेशन मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव बिकॉज यू विल हैव टू राइट डाउन द थिंग्स। ये सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट तभी होगा जब आप चीज़ें लिख लो और रेडी कर लो, याद भी यहीं पर करने की कोशिश रहेगी। सो एवरीथिंग वुड बी अ फुल फ्लेज्ड कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर आंसर वुड बी प्रोवाइडेड। सो रिक्वेस्ट है कि आप सब कुछ लेकर बैठे, जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हो या किसी से पढ़ते हो, तो चीज़ें प्रॉपर तरीके से ही करें। अगर आप सिर्फ देखने के हिसाब से देख रहे हैं तो देन इट इज़ लाइक मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव, वो फिर आपकी मर्जी, उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग एंड मेकिंग श्योर दैट वी मेक इट एग्जाम ओरिएंटेड एंड वी मेक इट फॉर गुड मार्क्स स्पेसिफिक टू द एग्जामिनर, एंड मेक द ईआईएस का अटेम्प्ट एज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर अस, तो आप कोशिश करें कि आप सब कुछ लेकर बैठे, पूरी तरीके से बैठे। पहला वाला पार्ट देखना जरूरी है सो दैट यू आर एबल टू, आई एम नॉट पब्लिसाइजिंग और समथिंग लाइक दैट, बट वो पार्ट देखना जरूरी है सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। नेक्स्ट ऑल्सो इफ यू आर नॉट इफ यू हैव नॉट व्यूड द फर्स्ट पार्ट देन दी दिस मे नॉट बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो पहला वाला पार्ट देखकर फिर दूसरे पार्ट पर आए, पेन और बुक वगैरह लेकर बैठे रहे, और फिर जैसे चीज़ें सामने आ रही है वैसे लिखने की कोशिश करें, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली लिंक्ड, इट इज़ फॉर योर कन्वीनियंस ओनली दैट आई एम अपलोडिंग इट इन पार्ट्स। ओके, आई वुड हैव अपलोडेड अ कंटिन्यूस वीडियो ऑफ 1 or 2 hours, बट आई फाइंड दैट इट इज़ नॉट दैट फीजिबल कंपेरेटिवली। सो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट यू वॉच वन सेशन देन यू मूव अहेड, देन यू मूव अहेड डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। सो लास्ट सेशन में अपन ने देखने की कोशिश की कि 5 पॉइंट्स होते हैं पीपल इशूज रिलेटेड। वी डिडंट सी द इशूज बिकॉज वी सॉ द ईआरपी का इंट्रोडक्शन एंड वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड वॉट एक्चुअली ईआरपी इज, लेकिन ईआरपी को हमने तरीके से नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ उसको समझने की कोशिश की, हमने उसको एग्जाम ओरिएंटेड कर नोट्स बनाकर याद करने की कोशिश की नहीं। आपको अगर कोई भी इशू है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है रिलेटेड टू ईआईएस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यू कैन पुट इट डाउन अंडर द पुट राइट इट डाउन एंड आई विल बी मेकिंग श्योर दैट आई प्रोवाइड सम काइंड ऑफ हेल्प डेफिनेटली, सो दैट इट बिकम्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज वेल और दैट पर्टिकुलर इशू एज वेल। सो 5 पॉइंट्स है रिलेटेड टू पीपल इशूज। ओके, और अगर आपको कुछ याद है ईआरपी के रिस्क और कंट्रोल्स 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो पहले दिस वॉज लाइक जस्ट 6 to 7 पॉइंट्स का टेबुलर स्ट्रक्चर विच वॉज देयर। नाउ 5 हिस्से और पांचों में अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स चलेंगे। तो पहला पॉइंट है पीपल इश्यूज इफ यू रिमेम्बर, सेकेंड वॉज समथिंग विच वॉज नोन एज प्रोसेस रिस्क। अब ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो ट्राई टू डू इट विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डर सो दैट एट द एग्जामिनेशन टाइम द इमेज इज फॉर्मड इन योर माइंड कि हाँ इधर पीपल रिस्क था, पीपल इश्यूज था, फिर इधर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, फिर टेक्नोलॉजिकल, फिर अदर, फिर पोस्ट, ऐसा कुछ एक वो इमेज डायरेक्टली इट शुड कम इन योर माइंड एज सून एज यू स्टार्ट राइटिंग और रीड द क्वेश्चन। सो पूरा सिलेबस का इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। सो पीपल इश्यूज, देन वी हैव समथिंग नोन एज प्रोसेस रिस्क, देन यू हैव समथिंग नोन एज टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फिर आता है अदर इम्प्लीमेंटेशन इशूज, एंड वी हैव लास्ट वन एज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इशूज। सो ये हमने पिछले सेशन में थोड़ा सा याद करने की कोशिश की, और उसमें हमने पीपल इश्यूज के 5 पॉइंट्स भी याद करने की कोशिश की थी। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे एज एंड वेन यू सी द थिंग्स, अब जब चाहो इसको पॉज कर लो और लिख लो, और फिर वापस सुनो, वापस लिखो, इस तरीके से ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू राइट। लर्निंग अंडरस्टैंडिंग राइटिंग वुड बी इट वुड बी अ कंप्लीट थिंग वेर यू विल हैव टू एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन, एनलेस एंड अंटिल यू राइट इट डाउन दिस
प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट. ओके, इवन इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इज इनकम्प्लीट, सो वी हैव टू रिटेन इट. एज आई सेड, रिटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और की इन ऑर्डर टू स्कोर इन दिस सब्जेक्ट. बिकॉज अभी कितना भी याद कर लो, कितने भी अच्छे से कोई समझा ले, पढ़ा ले एकदम हवा करके, लेकिन कहने का मतलब ये कि उस टाइम पर तो जो टिकेगा दिमाग में वो काम आएगा, रादर देन मेकिंग इट अ फन काइंड ऑफ थिंग. नो प्रॉब्लम इन दैट, बट मेक श्योर दैट इट ऑल्सो एड्स टू द रिटेंशन थिंग. राइट, सो कहने का मतलब ये कि 5 पॉइंट्स वापस याद करने की कोशिश करते हैं. कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग, अगर आपको कुछ याद है. सो कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग, ऐसे 5 पॉइंट्स थे. वापस मेरे पास ही देखने की कोशिश करना और 5 पॉइंट्स से 5 चीजें याद करने की कोशिश करते हैं. कंसल्ट से आएगा बिना समझे याद करते हैं, बिना समझे बोलने की कोशिश करना, बाद में समझने की जिम्मेदारी मेरी, समझाने की जिम्मेदारी मेरी. कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग. अब कंसल्ट से आएगा कंसल्टेंट्स. ओके, टॉप से आएगा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट इफ यू रिमेंबर. तो पहला वाला पार्ट जरूर देखिए, अदरवाइज इट वुड बी लाइक आधा अधूरा प्रिपरेशन. तो तरीके से प्रॉपर एक देखा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरे पर आइए. मैं प्रॉपर उस डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा लिखूंगा. किसी प्रकार का कोई इशू रहे तो पिंग करना डेफिनेटली. द कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑल्सो गिवन. कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग, ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है. तो कंसल्ट से आएगा कंसल्टेंट्स, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. फिर टॉप से आएगा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट. स्टाफ से आएगा स्टाफ टर्नओवर. कंसल्ट टॉप स्टाफ फॉर चेंज. चेंज से आएगा चेंज मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग से ट्रेनिंग रहेगा. यानी 5 पॉइंट से कुल मिलाकर, और 5ों पॉइंट समझने हैं, लिखने हैं, याद करने हैं. सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में पीपल इश्यूज क्या हो सकते हैं. तो पहला है कंसल्टेंट्स, ध्यान देना. कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर, मैं बीच बीच में याद करवाने की कोशिश करूंगा, सोना नहीं बिल्कुल भी, और ट्राई टू बी एज अटेंटिव एज पॉसिबल, सो दैट बीच में से भी अगर आपको पूछो तो यू शुड बी लाइक ओके दिस इज द क्वेश्चन, हम कहीं और थे, हम कहीं और जंप कर गए, फिर कहीं और चले गए. दैट इज समथिंग वेयर रिविजन बिकम्स एकदम पक्का. कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग. तो कंसल्ट से आएगा कंसल्टेंट्स. ओके, टॉप से आएगा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट. स्टाफ से स्टाफ टर्नओवर. चेंज से चेंज मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग. ओके, ट्रेनिंग से ट्रेनिंग. राइट, इनका क्या मतलब है देखते हैं. पीपल इश्यूज, पीपल यानी लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर जो लोग इसको बनाने में इन्वॉल्व है. ओके, ऑल द ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स बेसिकली. तो इसमें जो भी पीपल है, जो भी लोग हैं, जो भी मैन वुमेन बेसिकली हु आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन अंडरस्टैंडिंग यूज ऑफ द ईआरपी, ये लोग इसमें आएंगे. जिनके रिलेटेड हमको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, इनको संभालना हमारी जिम्मेदारी है, इनके इश्यूज. बिकॉज कैसा है कि मैंने आपको बताया कि चीजें एक्सेप्ट करना वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज आपको यू हैव टू मूव फ्रॉम द मैनुअल सिस्टम्स और समथिंग विच वॉज अ स्लो सिस्टम और समथिंग विच वॉज अ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम टू समथिंग विच इज सेंट्रलाइज ऑटोमेटिक एंड अ वेरी फास्ट एक्यूरेट सिस्टम बेसिकली. देखो ना, अभी की सिचुएशन भी अगर अपन देखते हैं तो सपोज इफ आई टॉक अबाउट समथिंग नोन एज स्कूल्स एज वेल, तो उसमें कैसा है कि स्कूल्स में भी अभी की सिचुएशन के हिसाब से पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स ऑनलाइन स्टडिंग एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेकिंग द स्टूडेंट्स गिविंग द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. नाउ फॉर अ टीचर हु इज टीचिंग हिस्ट्री ज्योग्राफी हु हैज नथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी, ही इज एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट बेसिकली, ही शी इज एन एक्सपर्ट. नाउ थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम इफ यू अंडरस्टैंडिंग. नाउ मतलब टेक्नोलॉजी की ताकत तो खतरनाक ही है कि यार एक जगह पर बैठकर मैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों को पढ़ा सकता हूँ या सामान बेच सकता हूँ या एक्सेट्रा. तो कहने का मतलब ये कि उसकी ताकत की कमी नहीं है या फिर उस सिस्टम में कमी नहीं है, लेकिन हमारे एक्सेप्टेंस में, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज न्यू. ओके, न्यू है तो एक्सेप्ट करना वुड बी कंपेरेटिवली डिफिकल्ट. ओके, सो वो इश्यूज आएंगे, उनको हैंडल कैसे करेंगे. और कई बार ऐसा होता है कि उनको अगर अपन निग्लेक्ट करें, इग्नोर करें, परवाह न करें, उसके ऊपर ध्यान न दे, अपन सोचे कि नहीं वो इश्यूज तो क्या लेना देना, पूरे पूरे करोड़ों के प्रोजेक्ट्स ईआरपी के फेल हो जाते हैं इफ यू अंडरस्टैंडिंग. सो ईआरपी करोड़ों रुपए तक बनता है. देर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हु मेक इट फॉर यू. इट कैन टेक 2 to 3 to 4 years एंड सच अ ह्यूज प्रोजेक्ट विच इज मेड जस्ट गेट्स फेल्ड बिकॉज पीपल डिडंट एक्सेप्ट इट एंड वी मूव टूवर्ड्स द ओल्डर सिस्टम्स और वी ट्राई टू गेट सम न्यू सिस्टम्स ब्लेमिंग द ईआरपी बेसिकली. बट इफ यू कुड हैव हैंडल्ड द रिस्क प्रॉपरली दीज इशूज वुडेंट हैव कम, और दीज इशूज वुड हैव कम बट यू वुड हैव मैनेज देम, यू वुड हैव मेड श्योर दैट दे आर कंट्रोल्ड प्रॉपरली. सो कहने का मतलब है कि पहला पॉइंट है कंसल्टेंट्स. अब ये जो अपनी टेक्निक है, कंसल्ट द टॉप स्टाफ
फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग, ये जो अपनी टेक्निक है बेसिकली, इसमें कंसल्टेंट्स टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, रिपीट करने की कोशिश करना, कंसल्ट टॉप स्टाफ, स्टाफ टर्नओवर, चेंज मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ये ऑर्डर में अपन ध्यान में रखेंगे। यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रखना जरूरी नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट इज लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो अपनी जो ये टेक्निक है, इस हिसाब से अपन ये याद रखने की कोशिश करेंगे, सो दैट वी राइट इट इन द एग्जाम इन द सेम मैनर। द कंटेंट वुड बी द सेम विच इज रिक्वायर्ड, बट इट्स जस्ट दैट द ऑर्डर वुड बी चेंजिंग। यहां पर कोई ऐसा साइकिल या प्रोसेस नहीं है कि सर वी विल हैव टू रिमेंबर इट इन द सेम ऑर्डर, सो यू वुड बी रिमेंबरिंग इट विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक ओनली। सो पहला पॉइंट का नाम है कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, और फिर आप जैसे ये समझ जाए मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलूँ। आप मैं वो स्क्रीन लेकर आऊंगा जहां पर ये कंटेंट लिखा हुआ है, आप वहां पर पॉज करना, उसको लिखना, और फिर मेरे से अगला पॉइंट समझने की कोशिश करना और याद भी करना साथ ही साथ। कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट्स कौन है? ये वो लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, सुनना ध्यान से। एक्सपर्ट से यानी कौन है, किस चीज में एक्सपर्ट है? ईआरपी बनाने वाले एक्सपर्ट है ये, ईआरपी बनाने में उस्ताद है ये माहिर है, इनको आता है ईआरपी बनाना, प्रोग्रामिंग करना, टेक्निकल डिटेल्स, यू नो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एवरीथिंग। दे आर कंप्लीटली अवेयर, दे आर कंप्लीटली स्ट्रांग इन यू नो मेकिंग द टेक्नोलॉजिकल थिंग्स बेसिकली। सो अब इसमें रिस्क क्या हो सकता है कंसल्टेंट्स के लिए? द रिस्क कुड बी लाइक यू नो दीज आर द एक्सपर्ट्स नो डाउट, लेकिन कहने का मतलब ये कि मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे बनाना आता है, लेकिन लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ये बना रहा हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन को शायद मैं जानू ना, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। उस आई एम नॉट अवेयर ऑफ द इंटरनल वर्किंग, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द इंटरनल कल्चर, आई एम नॉट आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ वॉट आर द प्रोसेसेस, क्योंकि मैं एज ए कंसल्टेंट उस बिजनेस, अब समझो कोई कोई प्रोडक्ट बनाकर सेल कर रहा है, कोई बैग सेल कर रहा है, कोई फैन सेल कर रहा है, कोई एसी सेल कर रहा है, तो मैं एज अ कंसल्टेंट उस बिजनेस के बारे में अवेयर नहीं हूँ ना, मैं तो वो सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में अवेयर हूँ। तो मुझे वो बिजनेस को तो समझना पड़ेगा कि तुम्हारे इधर कैसे होता है, ये प्रोडक्ट ऐसा आता है, इसको इस तरीके से सेल किया जाता है, फिर इसको इस तरीके से एंटर किया जाता है, फिर कस्टमर के क्वेरीज इस तरीके से हैंडल की जाती है। ओके, दिस इज हाउ यू डू इट। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन आज अगर किसी कारण फेमस है, इफ दे आर अर्निंग वेल, इफ दे आर यू नो अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस विच योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग। एंड एज अ कंसल्टेंट आई नीड टू बी अवेयर, आई नीड टू लर्न द प्रोसेसेस। ईआरपी बनाना एक अलग बात होगी, लेकिन आपके प्रोसेसेस को तो समझ नहीं होगा ना, बिना समझे मैं आपके हिसाब से आपकी वाली चीज कैसे बनाऊंगा। तो ऐसा हो सकता है कि यार मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया ही ना हो, कल्चर का, उनके काम करने के तरीके का, लोगों को कीबोर्ड, कई बार ऐसा होगा कल्चर से मैं मीन करता हूँ कि यार ऐसा होगा कि लोग पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन डोंट नो हाउ टू यूज द कीबोर्ड, तो शायद मैं ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाऊँ जिसमें ज्यादा टाइप ना करना पड़े, डेटा इधर से उधर ऑटोमेटिकली पुल हो जाए, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। एंड सम आर लाइक वेरी टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, सो देयर आई कैन कीप द फ्रीडम ऑफ एंटरिंग द डेटा इज वेल, अगर आप समझ रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा एंटर करेंगे उतना ज्यादा एरर के चांसेस भी तो बढ़ते हैं, अगर समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि मैं नहीं जानता उनके फंक्शनिंग के बारे में, मैं नहीं जानता उनके काम करने के तरीके के बारे में, और वो एक रिस्क है। इसलिए क्या हुआ कि अपना सिलेबस कहता है कि आप नहीं जानते, वो रिस्क है, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन उस कंसल्टेंट को एक ऑफिसर, सुनते जाना ध्यान से, रिस्क क्या है, द रिस्क कुड बी दैट द कंसल्टेंट इज नॉट अवेयर ऑफ द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। सो कहने का मतलब ये कि दिस इज समथिंग वेयर, अब इसका कंट्रोल क्या होगा कि ही शुड बिकम अवेयर, उसको पता होनी चाहिए चीजें, तभी वो जाकर बनाएगा उस प्रकार से सॉफ्टवेयर या उस ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करेगा। तो कंसल्टेंट को एक ऑफिसर दे देना चाहिए, सुनना पूरी बात, पूरी बात होने पर समझ में आएगा, मेरे बाद एक शब्द रिपीट करना, लीएजन। क्या बोलेंगे? लीएजन, LIASION, दैट इज द स्पेलिंग बेसिकली। तो लिएजन, लिएजन का स्पेलिंग अगर मैं आपको वापस बताने की कोशिश करूं तो इट इज देयर ओवर हियर, LIASON बेसिकली। तो दिस इज लिएजन ऑफिसर। ये लिएजन ऑफिसर कौन होता है? ये वो ऑफिसर होगा, देखो लिएजन ये शब्द का मतलब होता है, लिएजन ये शब्द का मतलब होता है लिंक। ओके, लिएजन ये शब्द का मतलब होता है लिंक। लिंक यानी क्या, किसमें लिंक करेगा ये लिएजन ऑफिसर होना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में और वो बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्रकार का लिंक लिंक की तरह काम करेगा वो, यानी इंटरमीडियरी बेसिकली। तो वो कंसल्टेंट को उस ऑर्गेनाइजेशन ने, समझो एबीसी नामक ऑर्गेनाइजेशन, ओरेकल से, ओरेकल का वीडियो देखा था पिछले सेशन में जो ईआरपी के बारे में बता रहा था, एबीसी नामक ऑर्गेनाइजेशन ओरेकल से ईआरपी बनाना चाहती है बेसिकली। तो वो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिएजन ऑफिसर, LIASON
LIAISON, ऐसा इसका स्पेलिंग है बेसिकली। ये लिएजन एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है लिंकिंग। सो ये एक इंटरमीडियरी अपॉइंट कर देना चाहिए क्योंकि उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता है, तो ही वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू द कंसल्टेंट्स एंड दे वुड बी मेकिंग इट फॉर हिम, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो लिएजन ऑफिसर रखो उसको, लिएजॉन इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बेसिकली। सो लिएजॉन इसको प्रोनाउंस किया जाता है, इफ यू ट्राई टू सर्च इट ऑन गूगल यू वुड कम टू नो दैट लिएजॉन LIAISON, स्पेलिंग ध्यान में रखना, नया शब्द हो सकता है जो भी है। तो लिएजॉन ये लिखना पड़ेगा, ये कीवर्ड है बेसिकली। तो ये लिएजॉन ऑफिसर क्या करेगा, लिंक एक्ट करेगा किसके बीच में भाई, वो कंसल्टेंट के बीच में और वो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो इफ ही इज देयर तो आपको लगता है एक प्रकार का कंट्रोल हो गया, अरे यार वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से वाकिफ हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस से वाकिफ हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन से वाकिफ हो जाएगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ जाएगी। तो समझ में आएगी तो उसके लिए ईआरपी बनाना भाई हाथ का खेल होगा, लेकिन क्या बनाना है वो तो उससे सुनेगा वो, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। सो इट मे हैपन दैट ही इज नॉट अवेयर ऑफ द इंटरनल फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द कंसल्टेंट शुड बी असाइंड अ लियाजन ऑफिसर, ओके, हु वुड बी एक्सप्लेनिंग इट टू हिम एंड यू नो हु वुड बी मेकिंग, वो उस चीज को फेमिलराइज करेगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उस कंसल्टेंट को बताएगा, जानकारी देगा कि यू नो थिंग्स हैपन दिस वे, ट्राई टू मेक इट दिस वे फ्रेंड्स। तो कंपनी और वर्किंग के बारे में वो बताने की कोशिश करेगा। तो पहला पॉइंट देखो, 5 पॉइंट है, कंसल्ट द टॉप स्टाफ। अब इसमें ये प्योर ऐसा इंग्लिश है, यू नो यू कैन राइट इट इन इंग्लिश बेसिकली, द बेसिक लैंग्वेज इज देयर, द ओनली कीवर्ड्स ओवर यूर इंपॉर्टेंट इज लाइक यू नो ही मे नॉट बी अवेयर विद द इंटरनल वर्किंग्स एंड द कल्चर। ये इंटरनल वर्किंग और कल्चर आपको ध्यान में रखना होगा, और उस तरफ आपको ध्यान में रखना होगा वो लिएजन ऑफिसर जो जो क्या करेगा, उसको फेमिलराइज करेगा। किसको फेमिलराइज करेगा, कंसल्टेंट को फेमिलराइज करेगा। किससे फेमिलराइज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग से, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग से, सो दैट ये रिस्क किसी ना किसी प्रकार से पूरी तरीके से जीरो हो जाए, हट जाए, कम हो जाए, और ये रिस्क से हम हमारा ईआरपी का प्रोजेक्ट फेल होने की तरफ या यू नो नुकसान होने की तरफ न चले। सो पहला पॉइंट है कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग। तो कंसल्ट से क्या बना, कंसल्टेंट्स, ओके। उसके बाद द टॉप मैनेजमेंट, ओके, टॉप से आएगा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। कंसल्ट द टॉप स्टाफ, स्टाफ से आएगा स्टाफ टर्नओवर। कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज मैनेजमेंट और ट्रेनिंग, इफ यू आर पेइंग अटेंशन। तो पहला पॉइंट अपना बना कंसल्टेंट। सो इफ यू जस्ट आई विल जस्ट स्क्रोल इट डाउन, ओके, आपको दिख रहा होगा कंसल्टेंट का कुछ पॉइंट है यहाँ पर, ओके। पहला आपको ऐसा टेबल बनाना होगा, एस्पेक्ट लिखना होगा। देखो आप पॉज कर लो, भले ही अभी अभी पॉज कर लो, लिखना स्टार्ट कर दो, बाकी मैं बोलता रहूंगा आप सुनते जाओ। अगर जैसा आप सही लगे उस टाइम पर आप पॉज कर देना, अपना लिखने का काम कंप्लीट होना चाहिए अगर चीज समझ में आई है तो। एस्पेक्ट आएगा, रिस्क एसोसिएट, कंट्रोल कंट्रोल रिक्वायर्ड, कंसल्टेंट्स पहला, दीज आर द एक्सपर्ट्स इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, दीज आर द एक्सपर्ट्स इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी एंड माइट नॉट बी फेमिलियर विद द इंटरनल वर्किंग्स एंड कल्चर। अगर समझ रहे हो किसका इंटरनल वर्किंग, जिसके लिए आप ईआरपी बना रहे हो, एक्सपर्ट है बनाने में लेकिन सामने वाले को जानना पड़ेगा। कंसल्टेंट्स शुड बी असाइंड अ लिएजॉन, लिएजॉन इज द प्रोनाउंसिएशन, डजेंट मैटर, इट इज नॉट एन ओरल एग्जाम, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट स्पेलिंग, इट कैन बिकम एन एमसीक्यू एज वेल, ट्राई टू रिमेंबर दिस टर्म, लिएजॉन ऑफिसर लिंक करता है। ये शब्द आप फ्रेंच वर्ड है, आप ब्रैकेट में इसके कहीं लिंक लिख सकते हो, लिंक बिटवीन कंसल्टेंट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू फेमिलराइज देम विद द कंपनी एंड इट्स वर्किंग। सो ये शब्द कैसे भी करके आपके इसमें आ जाना चाहिए, आपके यू नो आंसर में, व्हेन यू वुड बी राइटिंग इट फॉर द एग्जाम। सो पॉज द स्क्रीन ओवर हियर, ओके, एंड देन यू कैन राइट दिस आंसर डाउन एंड आई वुड बी मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। सो यू कैन पॉज इट राइट नाउ, राइट दिस आंसर एंड मूव टूवर्ड्स द, एंड देन यू नो लिसन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। राइट, सो पॉज कर आप लिख लीजिए, आगे बढ़ता हूं मैं, अज्यूम करता हूं आपने पॉज कर लिख लिया होगा। वी मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट विच इज नोन एज टॉप। टॉप से आता है टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट लिखा हुआ है यहां पर। अब टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट जो यहां पर लिखा हुआ है, इसमें कहना है कि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, इफ यू आर पेइंग अटेंशन। तो टॉप मैनेजमेंट का जो सपोर्ट होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट इज समथिंग विच इज द सेकेंड वन। तो उसमें टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। तो रिस्क क्या हो सकता है भाई, अगर आप ही थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो कि रिस्क क्या हो सकता है, कि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट, यानी रिस्क में आएगा, सॉरी, रिस्क आएगा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं है, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। सो
टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं है, यानी कहने का मतलब ये कि जो रिसोर्सेज चाहिए, जो जो सारी सामग्री अपन को चाहिए, जो सारे संसाधन अपन को चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दिस इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट बेसिकली, सो अगर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं है तो आपको ये चीजें मिलेगी नहीं फिर, अंडरस्टैंडिंग, एंड इफ यू डोंट गेट दोज रिसोर्सेज बेसिकली देन हाउ कुड इट बिकम सक्सेस सक्सेस थिंग, बिकॉज यू वुड रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एज वेल, ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन पावर एज वेल एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एज वेल इफ यू अंडरस्टैंडिंग, सो ऑल दीज रिसोर्सेज मे नॉट बी अवेलेबल, ओके, बिकॉज यू डू नॉट हैव टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, दिस कुड बी अ रिस्क बेसिकली, सो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट हो नहीं है ये एक रिस्क है, यानी वो इस प्रोसेस में वो आपका साथ नहीं दे रहे, यानी ऐसा तो यूजुअली कहाँ पर होगा बेसिकली, यार आप कोई काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में वेयर आप ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, और एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो थोड़े कंप्यूटर्स वगैरह संभाल लेता है, या फिर कोई मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम कुछ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करेंगे, हम ईआरपी इंप्लीमेंट करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनलिटी को चेंज करेंगे, तो वो अपने बलबूते पे तो डिसाइड नहीं कर पाएगा, बिकॉज डिसाइड करना यानी इतने सारे रिसोर्सेस को कमिट करना, और उसके हाथ में वो चीजें है नहीं बेसिकली, सो अगर वैसे करने भी जाएगा तो इट वुड रिजल्ट इन अ फेलियर, बिकॉज यू मे नॉट बी एबल टू, आप अपने जेब से तो दोगे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए कर रहे हो वो एक अलग बात होगी, लेकिन आपको तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट का मतलब ये है कि आपको टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, आपने टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट मांगा ही नहीं, आपने टॉप मैनेजमेंट से बात ही नहीं की, यू नो दिस इज लाइक यू नो यू ट्राई टू सिलेक्ट सम काइंड ऑफ करियर और सम काइंड ऑफ डिसीजन यू ट्राई टू टेक इन योर लाइफ, बट यू डिडंट कंसल्ट समवन हु इज लाइक द ओनर ऑफ यू और हु हैज लाइक यू नो हु हैज ब्रॉट यू इन दिस वर्ल्ड बेसिकली, सो कहने का मतलब है कि आप अपने अपने पेरेंट्स से आपने न तो पूछा न जाना न समझने की कोशिश कर, अपने डिसीजन खुद लेकर आ गए, यूजुअली वी शुडंट गो अगेंस्ट देम इफ अंडरस्टैंडिंग, तो चीजें फेल होने का चांसेस है हर, तो कहने का मतलब है कि ये तो चलो थोड़ी सी भावुकता वाली बात हो गई, लेकिन यहां पर तो पैसा नहीं, रोकड़ा नहीं, आदमी नहीं, समय नहीं, ये सारी चीजें मिलेगी नहीं, आप काम रोक कर इसके ऊपर कैसे चलोगे अगर आप उनसे पूछते नहीं हो, तो अपनी कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं है ये, तो यू नो इफ यूर अंडरस्टैंडिंग, सो उनको पूछना पड़ेगा, उनका सपोर्ट नहीं रहा तो दिस वुड रिजल्ट इन अ फेलियर, दिस इज अ रिस्क बेसिकली, सो व्हाट कुड बी द कंट्रोल, देखो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होना यानी यू वोंट गेट द रिसोर्सेज, यू वोंट गेट द रिसोर्सेज यू वोंट बी एबल टू इंप्लीमेंट दिस, यू वोंट बी एबल टू इंप्लीमेंट तो दूर की बात हो गई, यू वोंट बी एबल टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट एज वेल ऑफ मूविंग और डेवलपिंग द ईआरपी फ्रेंड, बिकॉज एडवांस लगेगा चीजें, यू नो दे वुड बी आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, एवरीथिंग वुड बी देयर, सो डेफिनेटली द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी देयर दैट यू टॉक टू द टॉप मैनेजमेंट, ट्राई टू कन्विंस देम, इफ दे गेट कन्विंस ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि देखो भैया ये देखो सर ये प्रोजेक्ट है इस तरीके से, इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इतना पैसा लगेगा, इतना समय लगेगा, और इसके फायदे ये है इफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज हाउ यू वुड बी एबल टू अर्न, दिस इज हाउ वी वुड बी एबल टू गेट द रिटर्न, दिस इज हाउ आर रेवेन्यू जनरेशन वुड इंक्रीज, दिस इज हाउ आर रीच वुड इंक्रीज, ट्राई टू एक्सप्लेन देम ईच एंड एवरी थिंग सो दैट दे एक्सेप्ट इट, यू नो दे एक्सेप्ट, बिकॉज द टॉप मैनेजमेंट अगेन मे नॉट बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस, सो दैट दे बिकम अवेयर, दे नो द थिंग्स, दे एक्सेप्ट इट एंड दे गिव यू एन अप्रूवल दैट येस यू कैन गो फॉर इट इफ यू अंडरस्टैंडिंग, सो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट, इजी पॉइंट, ओके ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होना मे नॉट गिव यू विल नॉट गिव यू द रिसोर्सेज, यू डोंट गेट द रिसोर्सेज, इट वुड रिजल्ट इन अ फेलियर, वॉट शुड बी द कंट्रोल, ट्राई टू कन्विंस देम एंड मेकिंग श्योर दैट ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू देम, सो दैट टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो अलॉन्ग विथ यू, यू नो यू गेट द कंप्लीट सपोर्ट दैट येस वी आर देयर, इफ दे आर देयर डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू सक्सीड, इफ दे आर नॉट देयर सक्सेस इज अ डिफरेंट थिंग, यू वोंट बी एबल टू स्टार्ट एज वेल, सो लेट अस ट्राई टू लुक एट द सेकंड पॉइंट, कंसल्टेंट्स के बाद आता है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, आई विल शो दैट स्क्रीन टू यू, आई विल रीड इट फॉर यू एंड प्लीज राइट इट डाउन, ओके इसको आपको लिखना है ऐसा का ऐसा लिखना है, प्लीज राइट इट डाउन, इट इज रिलेटेड टू द मॉड्यूल ओनली, इट इज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल ओनली, बट यू नो सम पॉइंट्स हैव बीन मिक्स्ड सो दैट इट बिकम्स कंपेरेटिवली शॉर्टर, भाई 4 पॉइंट को 1 पॉइंट में बना लिया लेकिन वो टर्म्स आ गए, ऐसा ये कंटेंट है, सो हैंड रिटन कंटेंट पर्पजली रिटन फॉर यू, ओके एंड पर्पजली अपलोडेड फॉर यू, सो प्लीज राइट इट डाउन, आई हैव टेकन द एफर्ट्स, यू ऑल्सो टेक इट एंड ट्राई टू क्लियर इट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, एंड यू फाइंड एनी क्वेश्चन डिफिकल्ट ट्राई टू पुट इट इन द कमेंट्स, आई वुड बी देयर फॉर यू, आई वुड बी यू नो
रेडी टू प्रोवाइड यू द कंटेंट रिलेटेड टू इट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स रिलेटेड टू इट. सो टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन विल फेल इफ द टॉप मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड ग्रांट परमिशन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. भाई उन्होंने नहीं दिया सपोर्ट तो फिर कहाँ से मिलेगा अपन को रिसोर्सेज, अपन अपने घर से तो देंगे नहीं. इफ यूर अंडरस्टैंडिंग, द ईआरपी इंप्लीमेंटेशन शैल बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर, शैल बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर द टॉप मैनेजमेंट इज फुल्ली कन्विंस्ड. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, प्लीज राइट दिस पॉइंट डाउन. ऑल राइट, पॉज द स्क्रीन एंड यू कैन राइट दिस पॉइंट डाउन. तो पहला पॉइंट क्या बना अपना, पहला पॉइंट बना कंसल्टेंट्स, सेकेंड पॉइंट क्या बना टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट इफ यू आर पेइंग अटेंशन. अब ये टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट आप इसको पॉज कर लो यहाँ पर, ये लिखने की कोशिश करो, इजी कंटेंट बट इंपॉर्टेंट कंटेंट, यू नो ट्राई टू लर्न. सो इफ यू लुक एट द टेक्निक अगेन, कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग. ओके, सो वहां यहां पर आपको पॉज करना है और फिर आगे वाले पॉइंट की बात सुननी है. ओके, तो कंसल्ट में आएगा कंसल्टेंट्स, टॉप में आएगा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, स्टाफ में आएगा स्टाफ टर्नओवर. कोशिश करते हैं इस वीडियो में ये तीन पॉइंट्स कवर करने की. ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट वी वुड बी कवरिंग द रिमेनिंग टू पॉइंट्स बेसिकली, सो सो दैट इट डजंट बिकम अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर यू. पहला कंसल्टेंट, सेकेंड टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, थर्ड इज समथिंग विच इन्होंने स्टाफ टर्नओवर. वेरी इजी पॉइंट फॉर यू, यू वुड बी अवेयर ऑफ दिस टर्म, यू हैव हर्ड दिस टर्म. स्टाफ का छोड़कर जाना ऑर्गेनाइजेशन में कुड बी समथिंग विच कुड बी अ रिस्क. थोड़ा सोचना और मेरे को आप खुद ही नीचे कमेंट में एग्जाम्पल देने की कोशिश करना कि स्टाफ टर्नओवर से एक ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कैसे हो सकता है. मैं कुछ बात रखने की कोशिश करता हूँ, आपके दिमाग में और भी कुछ आए तो प्लीज ट्राई टू यू नो गिव द नॉलेज, शेयर द नॉलेज so that we can you know understand it more and it could become an healthy example and it could become more concept oriented, the concept could become more clear basically. So try to put an example of what you think of staff turnover in the comment as well. I would really appreciate that if you could think about something, it would be helpful for me as well definitely. So कहने का मतलब ये कि third one is something which उन्होंने staff turnover, staff का organization से छोड़कर जाना, staff का organization से छोड़कर जाना. अब वो पहली बात तो ये कि वो staff पूरी तरीके से ट्रेंड था, उसको सब कुछ आता था, वो चीजें जानता था, वो सीखने में उसको साल भर लगा, 6 महीने लगे, 2 महीने लगे, एंड देन ही सडनली लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली. तो बाहर स्टाफ तो आपको मिल जाएगा लेकिन उसको चीजें समझाना, उसको उसको चीजें टेस्ट करना वेदर ही इज एबल टू डू इट और नॉट, एंड देन यू नो टू बिकम एन एम्प्लॉय लाइक द एक्स एम्प्लॉय विच वॉज देयर. इट वुड टेक टाइम, इट मे डिस्टर्ब द ऑर्गेनाइजेशन, इट मे यू नो इट मे डिस्टर्ब द शेड्यूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट मे डिस्टर्ब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ईआरपी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वी हैव लॉस्ट समवन, सम इम्पॉर्टेंट पर्सन, सम ट्रेन्ड पर्सन, सम पर्सन हु वॉज कंप्लीटली अवेयर ऑफ द फंक्शनिंग एंड एवरीथिंग हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन. सो इफ ही हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, गेटिंग सम, यू मे गेट समवन एट अ लोअर रेम्यूनरेशन एज वेल, बट दैट इज नॉट द की. आपका काम अटकेगा ना, आपका काम अटकेगा वो एक बड़ी प्रॉब्लम है. आपको समझ में आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ छोड़कर जाता है ना तो पैसे वाली बात नहीं है, काम अटकने वाली बात है, ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी तरह बंद हो सकती है. तो उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज को बेंच पर रखती है. बेंच पर रखना यानी क्या कि 4 एम्प्लॉयज को मेरा मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, ये मैं अपन पॉइंट पर आएंगे, अपन आंसर पर आएंगे, अपन थोड़ी सी बात कर रहे हैं जो एक्चुअली जनरली आईटी ऑर्गेनाइजेशंस में या यू नो मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है कि मैंने 4 एम्प्लॉयज हायर कर दिए, उनको ट्रेनिंग भी दे दी, बट दे आर नॉट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर जस्ट सिटिंग. इनको बोलते हैं बेंच पर रखना, यानी कहने का मतलब है कि इनको पैसा भी मिलेगा, रोकड़ा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, बट यू नो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का पुराना डेटा ये बोलता है कि इन दिस 2 to 3 months देर मे बी पीपल हु वुड बी लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मेरा पुराना डेटा का एनालिसिस बोल रहा है. तो अब अगर कोई छोड़कर चला गया ना, तो हाथों हाथ अगर मैं हायर करूं, महीने भर की ट्रेनिंग दू, इतना समय नहीं है मेरे पास, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत क्रूशल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं किसी भी हालत में इसमें परफेक्शन ही चाहिए मुझे. सो कहने का मतलब ये कि आई टेक सम एम्प्लॉयज, आई गिव देम ट्रेनिंग, आई कीप देम ओवर देयर, एंड इफ समवन लीव्स इमीडिएटली आई हैव समवन, तो मैं उसको पैसा भी दे रहा हूँ, उससे काम भी नहीं करवा रहा हूँ, तो पैसे वाली बात ही नहीं है, अगर आप समझ रहे हो. तो स्टाफ टर्नओवर इज समथिंग विच कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यू नो इन 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 द नेगेटिव एस्पेक्ट्स बेसिकली, मेकिंग द प्रोजेक्ट्स फेल बेसिकली. सो कहने का मतलब ये कि आप स्टाफ टर्नओवर हो सकता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा तो है नहीं कि हम जिंदगी भर एक ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड ही रहेंगे, या फिर हमने कोई शपथ ले ली है, या फिर वी हैव टेकन एन ओथ और समथिंग लाइक दैट, दैट यू नो दिस इज समथिंग वेयर आई वुड बी नेवर लिविंग. इट इज नॉट समथिंग, इट इज अ पार्ट, लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
पीपल वुड गो, बेसिकली पीपल वुड गेट मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज. सो व्हाट यू शुड डू इज, अपना सिलेबस क्या बोलता है कि पीपल का छोड़ना आपके शेड्यूलिंग को, आपके काम को, आपके इंप्लीमेंटेशन को, इट वुड बी डिस्टर्बिंग. सो व्हाट यू कैन डू इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट एन एम्प्लॉय विच इज वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो पढ़ाई की है, उसने जो काम किया है, उसका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, यानी उसका जो स्किल सेट है, बेसिकली द थिंग्स विच ही नोज, द थिंग्स विच ही इज एक्सपर्ट इन, ट्राई टू गिव द वर्क ऑफ दैट टाइप ओनली, बिकॉज ही वुड लव टू डू दैट वर्क. तो कहते हैं ना कि जब हम किसी काम से प्यार करते तो हमारे लिए काम नहीं होता बेसिकली, इट इज समथिंग वेयर वी डोंट इवन नो हाउ द टाइम इज गॉन बेसिकली. सो कहने का मतलब कि उनको वो काम दो जिस काम में वो एक्सपर्ट है, ट्राई टू मैच देयर एबिलिटीज टू द वर्क विच इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. डू नॉट ट्राई टू गिव समथिंग, यू नो, एक प्रोडक्शन के बंदे को मार्केटिंग का काम, ही वोंट बी एबल टू डू इट, और ही वुड बी जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, एंड ही वुड बी सर्चिंग स्टार्ट ही वुड स्टार्ट सर्चिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज. एज सून एज ही गेट्स वन, ही वुड बी, यू नो, स्विचिंग इट. सो ऐसी सिचुएशन में किसी को मजबूरी से काम मत करो, मन से काम करवाने की कोशिश करो. यू लुक एट द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गूगल, फेसबुक एक्सेट्रा, दे हैव अ वेरी गुड एटमोस्फियर ओवर देयर फॉर पीपल हु वर्क ओवर देयर. यूट्यूब वगैरह जहाँ पर जो काम करते हैं, इफ़ यू लुक एट द प्लेस वेयर पीपल आर वर्किंग, दोज प्लेसेस, दोज इंफ्रास्ट्रक्चर, दोज ऑफिसेस आर बेटर देन देयर होम्स बेसिकली. दे हैव ईच एंड एवरी फैसिलिटी. गूगल प्रोवाइड्स फूड अनलिमिटेड, इफ यू अंडरस्टैंड. मेनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड स्नैक्स एंड एवरीथिंग, बट हियर यू हैव, यू नो, कंप्लीट प्रॉपर, लाइक अ होटल, लाइक अ रेस्टोरेंट, यू गेट एवरीथिंग. सो दैट इज समथिंग वेयर दे ट्राई टू, मैकडोनल्ड्स इज समथिंग वेयर दे डू नॉट हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन, बट कहने का मतलब ये कि द पीपल ओवर देयर डोंट लीव द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे गिव द यू नो प्रायोरिटी टू द एम्प्लॉइज वेन एवर अ न्यू प्रोडक्ट कम्स इन. बिकॉज मैकडोनल्ड्स का ओनर बोलता है कि द कस्टमर इज नॉट द कस्टमर, द फ्रेंचाइजी इज लाइक एन कस्टमर फॉर मी. सो वेन एवर अ न्यू प्रोडक्ट कम्स इन, इट इज फर्स्ट गिवन टू द एम्प्लॉइज ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच, दे टेस्ट इट, दे अप्रूव इट और दे डिसअप्रूव इट. यानी सच अमाउंट ऑफ प्रायोरिटी इज गिवन वेयर दे फील दैट दे आर एक्चुअली द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द रेम्यूनरेशन इज नॉट ह्यूज. इन स्पाइट ऑफ दैट दे गेट एज मच अमाउंट ऑफ फूड दे वॉन्ट, दे गेट कंप्लीट प्रायोरिटी, दे गेट ऑल द, यू नो, the goodies and everything are there, but the money is not, but still people don't leave that, if you're understanding. And it is considered to be the largest food chain in the world. So what I'm trying to tell is, you can try to make sure that you win the hearts of the employees, making sure by matching their skill sets to the work, first thing, providing them appropriate compensation and benefits so that they enjoy working, they try to work more hard, try to give them proper motivation so that they do not leave the organization. So making sure that you keep them happy, the most important thing at the end of the day is your employee should be happy working in the organization. It shouldn't be like a burden, it shouldn't be like, you know, something which is getting difficult for them and they are doing it because they do not have a second job. So point kya bana, staff turnover, bhai staff chhodkar jayenge to aap koshish karo ki na jaye. और यू नो यू हैव नोटिस पीरियड्स एंड एवरीथिंग, सो दैट उसमें हम दूसरे स्टाफ को हायर वगैरह कर सकते हैं, या तो फिर आप एम्प्लॉयज को बेंच पर रख सकते हो. ये सारी चीजें ऐसे कंट्रोल ही होती है बेसिकली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग ना बिगड़े. लेकिन पहले ही आप क्या करो, अगर एम्प्लॉय छोड़कर जाता है तो आपका शेड्यूलिंग बिगड़ेगा, आपका काम करने का तरीका बिगड़ेगा. ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में सब कुछ जानता था, तो वो नए वाले को शायद इतने अच्छे तरीके से जानकारी ना हो. तो आप कोशिश करो कि कंट्रोल्स में ट्राई टू मेक श्योर दैट यू मैप इट अकॉर्डिंग टू स्किल सेट, give the appropriate benefits, try to keep them as happy as possible. So staff turnover, easy point, okay, it could affect you know, the schedule, it could affect your organization. और अगर वो organization ERP implementation के बीच में सब समझ कर छोड़ कर चला जाता है, जैसे ERP हमने implement किया and he has become aware of the software and you know, he doesn't accept the software or it becomes, if you have not aligned सॉफ्टवेयर में, आपने उसको वो काम नहीं दिया ईआरपी में बेसिकली जो उसका एक्चुअल पुराना काम था, और वो छोड़कर चला गया सब कुछ सीखने के बाद, अब नया आएगा तब तक काम रुक जाएगा, कितनी सारी चीजें होगी, आपका खर्चा भी बढ़ेगा, फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो कहने का मतलब है कि ये पैसों के मामले में भी आपको नुकसान देगा और काम के मामले में भी आपका नुकसान, क्योंकि काम टाइप पर नहीं होना है तो आपका सब तरीके से नुकसान होगा अगर वो एम्प्लॉय छोड़कर चला जाता है. तो थर्ड पॉइंट अपना बनता है स्टाफ टर्नओवर. इफ यू लुक एट इट, यू आई ट्राई टू रीड इट एंड यू कैन पॉज इट एंड यू कैन राइट इट डाउन. क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सनल लीविंग द कंपनी ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रांजिशन फेजेस कैन अफेक्ट द शेड्यूल्स एंड रिजल्ट इन डिलेड इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉस्ट ओवररन. ओके, खर्चा ज्यादा हो सकता है एक्सपेक्टेड से. नाउ इस तो
Qualified and skilled employees leaving the company during the implementation and transition phase can affect the schedules and result in delayed implementation and cost overrun. अपने हिसाब से काम शायद न हो, सब अटक जाए मामला. This can be minimized and controlled by allocation of employees to tasks matching their skill sets. Okay, एक तो आप यहां पर इसको पॉज कर लो, या फिर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं. ओके, एंड देन यू कैन पॉज इट. सो यहां पर हमने देखा कि टास्क मैचिंग देयर स्किल सेट, फिक्सिंग ऑफ कॉम्पनसेशन पैकेज, और ये पॉइंट थोड़ा सा यहां पर आया है, एंड अदर बेनिफिट्स. ओके, ट्राई टू गिव देम एज मेनी बेनिफिट्स एज पॉसिबल, दस कीपिंग द एम्प्लॉइज हैप्पी एंड कंटेंट. ओके, मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट डिससेटिस्फाइड बेसिकली. सो मेकिंग देम हैप्पी एंड कंटेंट इज द की. तो ऐसा हो सकता है कि आपके क्या हो सकता है, एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाए तो कैन अफेक्ट द शेड्यूल, डिलेड इंप्लीमेंटेशन, कॉस्ट ओवर रन, ये ध्यान में रखना आप. ओके, वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मैचिंग देयर स्किल सेट. ओके, एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू टास्क मैचिंग टास्क स्किल सेट, ये आप ध्यान में रखोगे. कॉम्पनसेशन पैकेज, बेनिफिट्स, हैप्पी कंटेंट. ओके, दिस इज द पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर. तो यहां पर आप पॉज कर सकते हो, ये मैं आप पूरी तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूं, आपको जहां पर चाहिए आप इसको पॉज कर चीजें लिख सकते हो, सो दैट वी आर रेडी विथ एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स, एंड द नेक्स्ट टू पॉइंट्स वी वुड बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पार्ट. सो दीज बिकम थ्री पॉइंट. तो एक बार वापस अगर हम रिवाइज करने की कोशिश करें, पॉज कर लिख लो, फिर थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं तीनों पॉइंट्स. ओके, आप पॉज कर लिखोगे, फिर वापस ये मेरी बात वापस लिखने के बाद सुनोगे. तो क्या बने अपने तीन पॉइंट्स, कंसल्ट द टॉप स्टाफ. आई होप यू हैव रिटन द थ्री पॉइंट्स. ओके, कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग. कंसल्टेंट्स भाई ये कौन है, ये एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ईआरपी के बारे में जानता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानता है, तो वो इंटरनल फंक्शन और कल्चर के बारे में अवेयर नहीं है. तो एक वो ऑफिसर का नाम क्या है, लिएजॉन, यानी लिंक, फ्रेंच टर्म बेसिकली, जो ऑर्गेनाइजेशन और ईआरपी बनाने वाले कंसल्टेंट्स में एक एज अ लिंक एक्ट करेगा, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग कंसल्टेंट से फेमिलराइज कराएगा. फेमिलियराइज इज द वर्ड, फेमिलियराइज कराएगा, इफ यू आर पेइंग अटेंशन. पहला कंसल्टेंट, के बाद आया टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट. टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं रहा तो रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि अपन अपने पास उनके एक्सेप्टेंस के बाद ही अपन उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. वी कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर दे हैव अप्रूव्ड इट, इफ यू अंडरस्टैंडिंग. सो टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं होना, इट वुड रिजल्ट इन अ फेलियर. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई टू कन्विंस देम सो दैट यू गेट द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन टाइम, इफ यू आर पेइंग अटेंशन. ओके, एंड थर्ड वन इज समथिंग विच इज नोन एज क्या था, स्टाफ टर्नओवर. स्टाफ लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, कुड बी अ रिस्क बेसिकली. टैलेंटेड एम्प्लॉइज, स्किल्ड एम्प्लॉइज, तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर चले जाते हैं तो आपका शेड्यूल बिगड़ेगा. ओके, आपका शेड्यूल बिगड़ेगा एंड इट वुड रिजल्ट इन कॉस्ट ओवररन. शेड्यूल में प्रॉब्लम, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम. ओके, अफेक्ट द शेड्यूल एंड रिजल्ट इन कॉस्ट ओवररन. आप क्या करो, उनको प्रॉपर टास्क को स्किल सेट से मैप करो, एक पॉइंट बना. दूसरा पॉइंट क्या बना कि यू नो कॉम्पनसेशन एंड अप्रोप्रिएट बेनिफिट्स दो. देखो मैं भी आपके साथ ही याद करने की कोशिश कर रहा हूं, और हैप्पी एंड कंटेंट रखो. ओके, सो कहने का मतलब ये कि आपका काम तब खत्म होगा जब आप ये तीनों पॉइंट्स लिख लोगे. तो प्लीज राइट इट डाउन, एंड देन इन द नेक्स्ट पार्ट वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टू पॉइंट्स एंड विल कंप्लीट द पीपल इश्यूज. ऑलराइट, वी मे मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इश्यू एज वेल इन द नेक्स्ट पार्ट. सो लेट अस सी हाउ थिंग्स वर्क. फर्स्ट ट्राई टू राइट इट डाउन, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी, कमेंट, यू नो, ट्राई टू गिव सम योर इनपुट्स रिलेटेड टू द पॉइंट्स व्हिच यू हैव डिस्कस्ड. Whether you have understood, not understood, liked it, not liked it, I would be appreciating each and everything. All right? Thank you so much. See you in the next part.